द बैंकर रिकॉल ऑल दिस इन थॉट। अब बैंकर जो है वो इस सब बातों को याद कर रहे थे और सोच रहे थे। टुमारो एट 12 o'clock ही रिसीव्स हिज फ्रीडम। अब कल 12 बजे वो आजाद हो जाएगा। अंडर द एग्रीमेंट आई शैल हैव टू पे हिम 2 millions। अब एग्रीमेंट के अनुसार मुझे उसे 2 million पे करना होगा। इफ आई पे इट्स ऑल ओवर विद मी, आई एम रूइंड फॉरएवर। अगर मैंने उसे 2 million दे दिए तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं हमेशा के लिए बर्बाद हो जाऊंगा। 15 years before he had too many millions to count, but now he was afraid to ask himself which he had more of, money or debts. 15 साल की बात पहले अलग थी, जब उनके पास मिलियंस में पैसा था और उनको काउंट करने के लिए फुर्सत नहीं थी, लेकिन आज उन्हें डर इस बात का था कि आज उनके ऊपर क्या है, पैसा ज्यादा है या कर्जे ज्यादा है। गैम्बलिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, रिस्की स्पेक्युलेशन एंड द रेकलेसनेस ऑफ विच ही कुड नॉट रिड हिमसेल्फ इवन इन ओल्ड एज हैड ग्रेजुअली ब्रॉट हिज बिजनेस टू डिके एंड द फियरलेस सेल्फ कॉन्फिडेंट प्राउड मैन ऑफ बिजनेस हैड बिकम एन ऑर्डिनरी बैंकर ट्रेम्बलिंग एट एवरी राइज एंड फॉल इन द मार्केट। ये जो उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में एक तरह से गैम्बलिंग करी, जुआ खेला, अपनी जो भी चीजें थी उनको रिस्क पे जो है दांव लगाए, या जिस तरह से उन्होंने एक लापरवाही करी जिससे वो अपने आप को बचा नहीं पाए इस ओल्ड एज में भी, उससे उनका जो बिजनेस था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और कहां जो एक बिना डरने वाला सेल्फ कॉन्फिडेंट घमंडी आदमी था, जो बिजनेस को बिल्कुल जिसका घमंड था उसे, अब वो एक ऑर्डिनरी बैंकर बन के रह गया और जिसे हर वक्त डर लगा रहता है कि मार्केट में क्या उतार चढ़ाव है, क्या चढ़ाव आ रहा है या क्या उतार आ रहा है। That cursed bet, murmured the old man, clutching his head in despair. Why didn't the man die? अब वो जो है इस बेट को यानी उस शर्ट को कोस रहे हैं और कह रहे हैं, अपना हाथ जो है जैसे कहते हैं बालों में फिरा रहे हैं, अपने सिर को पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं वो आदमी मर क्यों नहीं जाता। He is only 40 years old, से 40 साल गई तो है। He will take away my last farthing, marry, enjoy life, gamble on the exchange, and I will look on like an envious beggar and hear the same words from him every day. I am obliged to you for the happiness of my life. Let me help you. अब अगर वो उसको जीत गया और मुझे उसको 2 million देने पड़े तो एक तरह से कहती है वो मेरा आखिरी जो मेरी पैसा है वो ले जाएगा, मेरी जो खुशी है, मेरी जो फैमिली है, जो मैंने एक्सचेंज में इतना गैम्बल किया है, सब कुछ जो है मेरा जो है वो खत्म हो जाएगा और मैं जो हूँ एक बिल्कुल भिखारी के जैसा हो जाऊंगा। और उससे हर दिन एक ही तरह के वर्ड सुनने को मिलेंगे कि मैं आपका बहुत एहसान मंद हूँ कि आपने मेरे को जिंदगी में इतनी खुशी दी और क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। No, it's too much. The only escape from the bankruptcy and disgrace is that the man should die. नहीं, ये तो बहुत है, बहुत ज्यादा है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, दिवालिया होने से या कि जो इज्जत चली जाए उससे बचने का ज्यादा अच्छा तरीका है कि उस इंसान को मर जाना चाहिए। The clock has just struck 3. वो जो क्लॉक थी उससे सिर्फ अभी 3 ही बजे थे। The banker was listening. बैंकर सुने जा रहे थे। In the house everyone was asleep. And one could hear only the frozen trees whining outside the windows. पूरा घर जो है बिल्कुल शांत था, सब सो रहे थे, सिर्फ जो आवाज आ रही थी वो उन ट्रीज में से आ रही थी जो जमी हुई थी और हल्की हल्की उनमें से जो है साउंड आ रही थी विंडो के बाहर। Trying to make no sound, he took out of his safe the key of the door which he had not opened for 15 years, put on his overcoat and went out of the house. अब बिना किसी आवाज के उन्होंने चुपचाप उस दरवाजे की जो की थी वो सेफ से निकाली, जिसको उन्होंने पिछले 15 साल से नहीं खोला था, अपना ओवरकोट पहना और घर से बाहर निकल लिए। द गार्डन वॉज डार्क एंड कोल्ड, इट वॉज रेनिंग। अंधेरा था गार्डन में, ठंडक हो रही थी, बारिश हो रही थी। अ डैम्प पेनिट्रेटिंग विंड हाउल्ड इन द गार्डन एंड गेव द ट्रीज नो रेस्ट। जिस तरह से मॉइस्चर था, हवा चल रही थी गार्डन में, तो ऐसा लग रहा जैसे जो पेड़ है वो भी शांत नहीं हो पा रहे हैं। तो he strained his eyes, the banker could neither see neither the ground nor the white statues nor the garden wing nor the trees. उनके आंखों में इतना भारी बन था, इतना तनाव था कि बैंकर को ना तो ग्राउंड दिख रहा था, ना वो व्हाइट स्टैचूज दिख रही थी, ना गार्डन विंग दिख रहा था और ना ही पेड़ दिख रहे थे। Approaching the garden wing, he called the watchman twice. अब garden wing था उसकी तरफ जाते जाते उन्होंने वॉचमैन को 2 बार आवाज लगाई। There was no answer. कोई जवाब नहीं मिला। Evidently the watchman had taken shelter
from the bad weather and was now asleep somewhere in the kitchen or the greenhouse. हो सकता है कि जो वॉचमैन है वो भी इस मौसम खराब होने की वजह से कहीं शेल्टर ले लिया उसने और हो सकता है वो किचन या ग्रीन हाउस में जाकर सो गया हो. If I have the courage to fulfill my intention, thought the old man, the suspicion will fall on the watchman first of all. अगर मैं अपने इन इरादों में कामयाब हुआ तो ओल्ड मैन ने सोचा कि सबसे पहला जो शक है वो वॉचमैन पर ही जाएगा. In the darkness, he groped for the steps and the door and entered the hall of the garden wing. Then poked his way into the narrow passage and struck a match. अब अंधेरा था तो जैसे तैसे वो जो है उन्होंने सीढ़ियां पे कदम रखा, डोर में जो है वहां पहुंचे और फिर जो है जो गार्डन विंग का हॉल था उसमें एंटर किया. फिर उन्होंने जैसे तैसे अपना रास्ता ढूंढते हुए पतले से पैसेज में घूमते हुए उन्होंने मैच बॉक्स को जलाया. नॉट अ सोल वॉज देयर, कोई भी नहीं था वहाँ. समवन्स बेड विद नो बेड क्लोथ्स ऑन इट स्टूड देयर, किसी का बेड था पर वहाँ पर कोई कपड़े नहीं थे. स्टूड देयर एन आयरन स्टोव लूम्ड डार्क इन द कॉर्नर, वहीं पर जो है एक आयरन स्टोव था जो कि कॉर्नर में रखा हुआ था. द सील्स ऑफ द डोर दैट लेड इनटू द प्रिजनर्स रूम वर अनब्रोकन, और जो प्रिजनर का रूम था उसके दरवाजे पे जो सील लगी हुई थी वो भी टूटी हुई नहीं थी. व्हेन द मैच वेंट आउट द ओल्ड मैन ट्रेम्बलिंग फ्रॉम एजिटेशन पीप्ड इनटू द लिटिल विंडो, जब वो जो मैच थी वो बुझ गई तो जो ओल्ड मैन था उन्हें क्योंकि वो गुस्से से भी कांप रहे थे, डर भी लग रहा था, उन्होंने लिटिल विंडो में यानी छोटी सी खिड़की थी उसमें से झांक के देखा. इन द प्रिजनर्स रूम अ कैंडल वाज बर्निंग डिमली, जो प्रिजनर का कमरा था उसमें एक हल्की सी कैंडल की रोशनी हो रही थी. द प्रिजनर हिमसेल्फ सेट बाय द टेबल, जो प्रिजनर थे वो टेबल के पास बैठे हुए थे. ओनली हिज बैग, हिज हेयर्स ऑन हिज हेड एंड हिज हैंड वर विजिबल, अब पीछे से खाली उनका बैग दिख रहा था, उनके जो सिर पे बाल थे वो दिख रहे थे और उनके हाथ दिखाई दे रहे थे. ओपन बुक्स वाज स्ट्रून अबाउट ऑन द टेबल एंड द टू चेयर्स एंड ऑन द कारपेट नियर द टेबल, खुली किताबें जो हैं वो कुछ टेबल पे पड़ी थी, कुछ दो चेयर्स पड़ी थी और कारपेट जो है टेबल के पास था वहां पे थी. 5 मिनट्स पास्ड एंड द प्रिजनर नेवर वंस स्टर्ड, 5 मिनट गुजर गए पर प्रिजनर जो है वो जरा सा भी नहीं हिले. 15 years confinement had taught him to sit motionless. 15 साल का ये जो कैद थी, उसने उनको सिखा दिया था कि बिना हिले कैसे बैठना है. The banker tapped on the window with his finger, but the prisoner made no movement in reply. अब बैंकर ने जो है विंडो पर अपनी उंगली से थोड़ा सा खटखटाया, तो प्रिजनर ने जो तब भी कोई जवाब नहीं दिया ना हिले. Then the banker cautiously tore the seals from the door and put the key into the lock. जो बैंकर थे उन्होंने जो डोर की सील थी उसे तोड़ा और फिर जो ताला था उसमें चाबी लगाई. The rusty lock gave a hoarse groan and the door creaked. अब क्योंकि वो ताला भी इतने दिनों से बंद था तो उस पर भी जंग लग गई थी, तो वो भी जो है कड़कड़ाती हुई आवाज से खुला और फिर उन्होंने डोर का जो डोर था उसको खोला तो उसमें से भी एक अजीब सी आवाज आई. The banker expected instantly to hear a cry of surprise and the sound of steps. 3 minutes passed and it was as quiet inside as it had been before. He made up his mind to enter. A banker expect कर रहे थे कि एकदम से अचानक से sound आएगी या steps की sound होगी तो शायद वो चौंकेंगे, पर 3 मिनट गुजर गए, बिल्कुल सब कुछ वैसा ही शांत था जैसे पहले था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं ही एंटर करता हूँ. बिफोर द टेबल सेट अ मैन अनलाइक एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, एक आदमी जो है वो टेबल के पास बैठा हुआ था, बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा नहीं लग रहा था. It was a skeleton with tight bronze skin, with long curly hair like women's and a shaggy beard. वो बिल्कुल हड्डी का ढांचा हो गए थे, बिल्कुल स्किन खींची हुई थी, बाल लड़की जैसे या लेडीज जैसे लंबे लंबे कर्ली हो गए थे और उनकी जो बियर्ड थी वो भी काफी बिखरी हुई थी, यानी जो दाढ़ी थी वो भी काफी बिखरी हुई हो रही थी. The color of his face was yellow, of an earthy shade. The cheeks were sunken, the black back long and narrow. And the hand upon which he leaned his hairy head was so lean and skinny that it was painful to look upon. अब उनका जो चेहरा था बिल्कुल पीला पड़ चुका था, जैसे कहना चाहिए कि एक व्हीटिश ब्राउन हो जाता है, मिट्टी जैसा शेड हो गया था. चीक्स यानी जो गाल थे वो गड्ढे में चले गए थे. उनका जो बैक था यानी पीठ थी वो लंबी थी, पतली सी हो गई थी. हैंड्स जिस पर उन्होंने अपने सिर को रखा हुआ था वो इतने पतले और इतने स्किनी हो गए थे कि जैसे मानो खाल उनके बिल्कुल बस चिपकी हुई थी है, और उनको इतना तकलीफ हो रही थी कि वो सिर भी उठाकर ऊपर देख पाए.
His hair was already silvering with grey, and no one who glanced at the senile emaciation of the face would have believed that he was only 40 years old. उनके बाल जिस तरह से सफेद हो गए थे, चांदी की तरह मिक्सर हो गया था, खिचड़ी बाल हो गए थे, तो कोई भी उनको देखकर जो है उनके जिस तरह का चेहरे का लुक आ रहा था उसको देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि ये आदमी सिर्फ 40 साल का है. On the table before his bended head lay a sheet of paper on which something was written in by a tiny hand. टेबल पे जहाँ पर वो अपना सिर रख के नीचे लेटे हुए थे वहाँ पर एक पेपर का टुकड़ा पड़ा हुआ था जिसपे कुछ लिखा हुआ था बहुत छोटे छोटे अक्षरों में. Poor devil, thought the banker. He is asleep and probably seeing millions in his dreams. तो बैंकर सोचते हैं कि बेचारा देखो सो रहा है और शायद अपने सपनों में मिलियंस देख रहा होगा. I have only to take and throw his half dead thing on the bed, smother him a moment with the pillow, and the most careful examination will find no trace of unnatural death. But first, let us read what he had written here. अब बस मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ इस आधे मरे हुए आदमी को बेड पे डालना है, उसको जो है उसके पिलो से उसका मुंह दबाना है, और फिर क्या होगा? बड़े ध्यान से जो है ऐसे करना है कि कोई भी पता ना चले कि ये एक unnatural death है. मतलब इस तरह का कोई सबूत नहीं छोड़ना है कि किसी को ये लगे कि ये अपने आप नहीं मरा है. लेकिन सबसे पहले पढ़ लें कि इसने लिखा क्या है.